जाना ही हो बात है तो छुट्टी करनी पड़ती है बड़ी कथा नहीं तो ना करते तो किसको मौका दे हमें तो क्या नहीं होता शेड्यूलिंग की बात होगी आप करें जाना अकेडमिक ईयर है तो अप्रैल से शुरू होना चाहिए अपन 10 कर लें 10 कर लें 15 कर लें पूरा नेशनली जो है जितने भी प्रोवेंसेस हैं उसके अंदर वहाँ मार्च और अप्रैल से ही सेशन स्टार्ट हो जाते हैं सर उसमें भी यही डिस्कस हुआ डायरेक्टर स्कूल्स के साथ जो मीटिंग कॉल की गई उसमें मोस्टली सर ने यही प्रपोज किया कि हम वापस से जून जुलाई की जो समर ब्रेक होती है उसी पर हम जाए वापस लेकिन सर उसके बाद जब हमने देखा टाइम बहुत थोड़ा रह गया था क्योंकि सेशन या तो बहुत प्रोलॉन्ग हो रहा था या बहुत शॉर्ट हो रहा था तो टाइम इतना नहीं था जिसपे डिपार्टमेंट ने ये डिसाइड किया कि इस साल के लिए हम नेक्स्ट एकेडमिक सेशन हम इसी को ही फॉलो करते हैं और उसके बाद वील डिसाइड इन द स्टीयरिंग कमेटी के 2021-22 सेशन के लिए डिपार्टमेंट का क्या डिसीजन होगा सो सर दिस इज अ ब्रीफ बैकग्राउंड सर आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग नाइन्थ उसके थोड़े दिन के बाद आ जाता है 30 जून पे सारा रिजल्ट आता सर जुलाई यूज हुई थे एडमिशन का और पहली अगस्त से हम बाकायदे क्लासेस शुरू सेक्रोसेंट ये चीजें कैबिनेट डिसाइडेड के लिए 1.5 साल सेक्रोसेंट आई टुक अ पेपर टू द कैबिनेट बीवी सर वेरी खुदाश ये पूरे सिस्टम को सामने हमने पूरे सिस्टम को सामने हमने तबाह कर दिया है पूरे एजुकेशन सिस्टम को एवरीथिंग इज रिलेटेड टू इट स्कूल का असर है जैसे आपने उठाया लेट द स्कूल के साइड लेट द प्राइवेट स्कूल्स के साइड लेट द गवर्नमेंट स्कूल्स के साइड के 15 amendments आप दैट यू नो वी नीड टू रियली लुक एट द थिंग्स यू नो मोर रियलिस्टिकली इन ऑर्डर टू मेक यू नो इन्फॉर्म जजमेंट बट आई थिंक दैट्स जस्ट गोइंग बैक टू अवर पास्ट यू नो डिस्कशन व्हाई डिड वी चेंज यू नो एकेडमिक ईयर बिकॉज फॉर एग्जाम्पल आई हैव स्टिल यू नो सेम कंसर्न दैट द The students, when they were in, you know, the academic session was started in April and May. छुट्टी करनी पड़ती है बड़ी कथा नहीं तो ना करते तो किसको मौका दे हमें तो क्या नहीं होता लेकिन री शेड्यूलिंग की बात होगी आप करें जाना ठीक है और उसको चेंज करने की लास्ट ईयर जो वजह थी वो एक मखसूस वजह उस वक्त सामने आई थी और जिस पे हालांकि एग्रीमेंट नहीं था वही बैठे ने आखिर तक नहीं था मगर ये हुआ कि जी चले इस साल करने के बाद मेरे कोई भी रिव्यू ये फर्स्ट अप्रैल से होना चाहिए 15 जुलाई तक 2 महीने की छुट्टियां भी पूरी मिल जाएंगी और 15 मई से छुट्टियां देकर हम रमजान के आखिरी अशरे में और ईद की जो छुट्टियां हैं उनको भी बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं तो मैं समझता हूँ ये बड़ी काबिल अमल तजवीज है कि 15 अप्रैल से साल तो ये 14 दिन का टाइम सोच कर ही रखा गया और फिर उन तमाम लोगों को जिनकी तादाद तकरीबन 2000+ बनती थी उनका पता सर स्टूडेंट्स यू नो स्टडी यू नो डिस्टर्ब टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट द इंस्ट्रक्शनल आवर्स सर्टेनली आई वुड बी द फर्स्ट पर्सन हु विल रियली यू नो एडवोकेट यू नो दैट लेट अस कंप्लीट द इंस्ट्रक्शनल आवर्स सो सर लास्ट टाइम वी चेंज द डिसीजन नंबर 1 इज दैट तो ये 14 दिन का टाइम सोच कर ही रखा गया और फिर उन तमाम लोगों को जिनकी तादाद तकरीबन 2000+ बनती थी
उनका पता क्या अप्रैल को छोड़ के एक महीना और आगे डेफर करने बिकॉज करंट सिचुएशन में जो कोरोना की सिचुएशन की वजह से मेरे स्कूल्स बंद किए हैं सो ऑलमोस्ट हम हाफ ऑफ द मार्च इज गुड सेम थिंग result is students you know study you know disturbed today we are talking about the instructional hours certainly I would be the first person who will really you know decide okay you know that let us complete the instructional hours so sir last time we changed the decision number one is that driving through Karachi airport ke zariye interview with sir mein to koshish ye ki gayi ki un logon ko identify kare within 4 days unki tamam details de rahe aur unko dekh rahe ki koi aisa patient identify hua tha जिसमें से एक तो सेहतियाब हो गए पर दो पेशेंट और ट्रीटमेंट है इसलिए स्कूल के बच्चों को दूर रखा गया कि जाहिर है 13,000 एक बहुत बड़ा नंबर था उनके बच्चे भी स्कूलों में जाते हुए खुदा ना खासा अगर उस फैमिली में जो छुट्टियां करनी पड़ी उसकी वजूहत तो आपकी होंगी लेकिन मुख्तसर में बता देता हूँ कि पहले जब पहला पेशेंट सामने आया था तो दोबार से वो पेशेंट वो था जिसने किया ये तय हुआ कि जिस तरह पिछली मीटिंग में डिसाइड हुआ है 1 जुलाई से शुरू होना चाहिए उसी मेंबर है भी कहता है कि जुलाई से होना चाहिए आपके वो किताबों का इश्यू सर सब किताबों का तो सेशन ही नहीं होना है वो सर मेन आपका इश्यू है आफ्टर अपडेटिंग देयर व्यू एजुकेशन एंड डिपार्टमेंट सर्कुलेटेड सर्कुलर फॉर द स्टार्ट बात हो रही है मिनिस्ट्री ठीक है मिनिस्टर का कोई ऑब्जर्वेशन नहीं मिनिस्टर स्टैंड क्या करें बारह पहले प्रोग्राम में था कि 12 मार्च तक उनके स्कूल में एग्जाम्स हो रहे हैं प्राइवेट स्कूल अब सो सैड वी नीड एंड ओनली वे टू डिस्ट्रॉय द नेशन इज डिस्ट्रॉय द कहेंगे कि ये 1 जुलाई से करें तो प्रैक्टिकली अप्रैल में छुट्टी होगी इम्तिहान आपने मार्च में ले पूरा नेशनली जो है जितने भी प्रोविंसेस हैं उसके अंदर वहाँ मार्च और अप्रैल से ही सेशन स्टार्ट हो जाते हैं सेशन स्टार्ट हो सकता है साथ जी एक्सक्यूज मी सर मैं ज्यादा चाहूंगा मई जून नॉट जून जुलाई लुक इन टू द हिस्ट्री मई जून पूरे सिंध में छुट्टी होती थी सर कहेंगे कि जी 1 जुलाई से करें तो प्रैक्टिकली अप्रैल में छुट्टी होगी इम्तिहान आपने मार्च में ले 500 लोगों तक एक्सेस हुई कुछ लोग वापस आए नहीं थे लेकिन मीन वाइल जब ये काम कर रहे हैं हम नहीं करेंगे वो ये डिस्ट्रिक्ट खुद करेगी लोकल एग्जाम सर इसलिए ये कंटिन्यू नहीं हो सकता मेरा सरकार इसमें जो बताया गया है